नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आईएमडी ने राजस्थान और गुजरात के मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात में आज बादल छाए हुए हैं। गुजरात के कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है और तेज आंधी भी चलेगी। राजस्थान के मौसम को लेकर भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। अगले 4 दिनों तक राजस्थान के पश्चिमी, उत्तरी और मध्य भागों में धूल भरी तेज आंधी के साथ बारिश की भी संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग की ये चेतावनी कहीं न कहीं बिल्कुल सही भी साबित हुई। आज दोपहर बाद राजस्थान के कई हिस्सों में जो मौसम है वो अचानक पलट चुका है। आज राजस्थान के जोधपुर जिले के फलोदी और जैसलमेर जिले के पोकरण सहित आसपास के गांव में बादलों की गर्जना के साथ हल्की बारिश भी हुई और साथ में धूल भरी तेज आंधी भी चली। मौसम विभाग ने इस सप्ताह में प्रदेश भर में एक बार फिर मौसम के पलटने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नम हवाओं के टकराव के कारण तापमान में उलटफेर आया है और तापमान की अधिकता के कारण कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसी वजह से ये कहीं ना कहीं मौसम है वो खराब हुआ है। अब चलिए जान लेते हैं राजस्थान के किन जिलों में अगले 24 घंटे आंधी व बारिश की संभावना बनी हुई है। अगले 24 घंटे के दौरान बीकानेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अलवर, सीकर, झुंझुनू और दौसा में बादलों की गर्जना के साथ धूल भरी आंधी चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।